सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और मैं थाने से बोल रहा हूँ एसपी, उसके घर वालों ने आपका नाम दिया है कि आपकी वजह से अटेम्प्ट किया है। अरे भाई अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुना रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है कि ब्रेकअप स्टोरी सुननी है भाई, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है वो करके आते हैं। छोटा सा काम भाई ये है कि इस मूर्ति पे जो मैंने माला पहनाई थी ना वो अभी खराब हो गई, तो ये हटा के दूसरी माला लेके आनी। और देखो रोज डे पे मैंने इन्हें रोज दिया था, और मैं मतलब ऐसे रोज डे पोस्ट देखता नहीं हूँ। मेरे साथ ना एक भैया थे, वो भाभी के लिए रोज ले रहे थे, तो मैंने कहा भाई एक रोज और ले लो। कहते तू किसके लिए लेगा, मैंने कहा इनके लिए। ये देखो पहना दी मैंने माला, ये सुंदर सी एकदम। अब इनको इनका कपड़ा पहना देते हैं। हो गए हमारे शिफ्ट परिवार तैयार। भाई क्या ही भयंकर दिलचस्पी है ना तुम्हें ब्रेकअप स्टोरी जानने के लिए। मैंने पिछले ब्लॉग में बोला 100 कमेंट्स कर देना, जहाँ मेरे ब्लॉग पे मुश्किल से 20 कमेंट 30 कमेंट आते थे, भाई साहब एक घंटे के अंदर 100 कमेंट्स। और तुम्हारे भाई ने स्पेशली ढूंढ लिया धूप इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि थोड़ा ब्लॉग भी अच्छा सा दिखे। दूसरी चीज़ भाई, इस ब्लॉग में नोनू नहीं आने वाला, क्योंकि नोनू बीच में आएगा तो फिर मजाकबाजी होती है। और आपको जब ये चीज़ सीरियस चीज़ सुननी है कि क्या थी ब्रेकअप स्टोरी, तो उसे सीरियस तरीके से ही लेके चलते हैं। पूरा एग्जैक्ट बताऊंगा मैं, पर नोनू नहीं आएगा, तो अगर आप बिना नोनू के देखना चाहते हो भाई तो ही देखना। बिना नोनू के आप लोग पता नहीं कि मुझे बिल्कुल ठुकरा सा देते हो कि चलो ये चल, नोनू नहीं है हम नहीं देख रहे। ऐसा मत करा करो भाई, मैं ही हूँ नोनू, मैं ही सारे एफर्ट्स डालता हूँ। तो साहिल को भी सेम सपोर्ट किया करो जो नोनू को करते हो। ब्लॉग शुरू करने से पहले चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं, ये रे नाक के ऊपर अलग ही चमक रहा भाई ये। तो साथ में बैठा है भाई जो मेरे ब्रेकअप के वक्त मेरे दुख दर्द में मेरे साथ था। भाई भयंकर गर्मी लग रही है क्योंकि एसी ऑन कर नहीं सकता। एसी ऑन करूंगा तो ऐसे करके आवाज आती है, वो गंदी लगती है। और मैं चाहता हूँ ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी रहे, क्योंकि एक तगड़ी स्टोरी सुनाने वाला हूँ आपको अपनी रियल, तो अच्छे तरीके से सुनाते हैं। तो चलो भाई अब शुरू करते हैं, क्या थी स्टोरी, क्या था सीन। देखो भाई सीन ऐसा था, 10 अक्टूबर 2019 मेरी पहली बार बात हुई थी उससे सोशल मीडिया पे ही। उसके बाद उसने मेरी किसी स्टोरी पे रिएक्ट किया था, तो हमारी बात शुरू हुई। मैंने उसे बताया कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। उसकी भी वजह बताता हूँ, मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी एट्थ क्लास में पहली गर्लफ्रेंड बनी, उसके साथ मेरा रिलेशन चला 8 से 9 तक। तब तो थोड़े बच्चे होते, बट मेरे अंदर ना एक चीज़ थी कि लॉयल रहना है, वरना बंदी नहीं बनानी, और बनानी है तो लॉयल रहना है। तो उससे मेरा ब्रेकअप हुआ, और मुझे फिर ब्रेकअप के 2 दिन बाद पता लगता है कि उसने इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि उसका कोई और बॉयफ्रेंड बन गया था। मेरी पहली स्टोरी ये थी। दूसरी बता रहा हूँ, दूसरी में मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड बनी 12th क्लास में, और जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में आया उससे ब्रेकअप हो गया। और उसका बताता हूँ आपको सीन क्या हुआ था उससे ना। मेरी एक दिन मैंने कुछ बोला तो उसने मुझे पलट के रिप्लाई किया कि हाँ चिढ़ता रहे, तेरा तो काम ही यही है। और मुझे ना वो बहुत अलग साउंड करा कि आज तक इसने ऐसा बोला नहीं, आज ही ऐसा क्यों बोला। और बाय चांस क्या होता था, उस वो ना मेरे फ़ोन में ही अपनी आईडी लॉगिन करती थी। मैं कभी नहीं देखता था मैं ये सब चीज़ें, मुझे मतलब नहीं रहता था कि मैं उसकी आईडी चेक करूं। उतने में ना एक नोटिफिकेशन आ गया उसका, वो डिलीट करती थी, और उस दिन किस्मत से नोटिफिकेशन आ गया मेरे पे। और मैंने भाई देखा कि कौन है, तो भाई उस मैंने एक नया लड़का देखा उसकी आईडी में था। मैंने कहा यार ये कौन है, उसने क्योंकि मुझे उसका जिक्र भी नहीं किया था। मैंने फिर वो खोला नोटिफिकेशन, उसके बाद मैंने देखा भाई मैसेज में, तो पता चलता है कि उससे मैसेज थे उसके। देखो मैं आइडेंटिटी किसी लड़की की नाम लेटर कुछ नहीं बताने वाला, एक उनकी भी रिस्पेक्ट है, उसने जो मेरे साथ किया वो उसका अपना था, जो भी था उसका। पर किसी की आइडेंटिटी नहीं दे सकता मैं, या नाम नहीं दे सकता, तो ऐसे सीक्रेट रख के चलते। तो मैंने जब मैसेज खोला तो उसका उस लड़के से मैसेज था कि आज स्कूल में मतलब किस करके अच्छा लगा ये वो। और भाई शाम को अब मैं उसे देखता हूँ, उसे तो पता नहीं, मुझे सब पता लग गया है, तो वो मुझे रिएक्ट कर रही है, चले घूमने थोड़ा सा घूम के आते वो। मैंने कहा नहीं नहीं तू जा, तेरे पापा आने वाले होंगे, बाद में मिलते हैं, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ख़राब हो रखा था उस वक्त। फिर मैंने उसे एक हफ्ते तक ना मैंने देखा, मैंने कहा किस हद तक ये मुझे ये समझेगी कि मतलब ये किस हद तक डबलिंग कर सकती है कि इसका एक स्कूल में बॉयफ्रेंड है और मैं भी हूँ, और ये मुझे शो कर रही है कि मुझसे कितना प्यार करती है, उसे भी सेम शो कर रही है। भाई मैंने एक हफ्ते तक करा, तो क्या वो उसने एक दिन ना कुछ बोला मुझे, और मुझे भाई गुस्सा आया। फिर मैंने उसे सब सच बताया कि तेरा मुझे A to Z सब कुछ पता है, तो क्या कर रही थी वो। फिर मेरा ये सब होने का भाई मेरा उससे हो गया ब्रेकअप, मैंने ही कर लिया। ये तो मेरी थी 2 स्टोरी। अब ये इन 2 स्टोरी से मुझे ऐसा झटका पड़ा कि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी नहीं थी। फिर मैं मिला 10 अक्टूबर 2019 को मेरी पहली बार बात हुई उससे सोशल मीडिया पे, जो मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड बनी और लास्ट थी जो। अब वहाँ पे क्या सीन था, मेरी उससे बात होना शुरू हुई एज अ फ्रेंड, तो
तो जब भी कुछ बात आती थी ना हमारे बीच ऐसे रिलेशनशिप्स वगैरह की, तो मैं क्लियर बोलता था यार मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, दोस्त हैं अच्छे दोस्त रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई मैं बहुत डर चुका था इन चीज़ों से, मैंने ये ना धोखे वोके बहुत देख लिए थे, हालांकि मेरी एज नहीं थी, पर मेरे आगे ना एक एग्जांपल सकता था कि 8th क्लास में मेरे को मेरे साथ क्या हुआ, वो किसी और उसे कोई और पसंद आया उसने मुझे छोड़ दिया, 12th क्लास वाली में क्या हुआ उसको कोई और पसंद आया उसने मुझे छोड़ दिया, अब मुझे डर था कि यहाँ पे भी यही होगा। तो भाई हमारी बात बात शुरू हुई, काफ़ी टाइम तक बात बात हुई, तो 14 मार्च को क्या होता है, बहन की आँख इसकी, अरे यार कैमरा ही गिर गया यार दोस्तों, एक मिनट रुको। तो भाई 14 मार्च को मतलब हमारी 10 अक्टूबर 2019 से बात बात शुरू हुई, अब 14 मार्च को क्या होता है हमारा थोड़ा सा ना कनेक्शन बढ़ गया, तो उसने हमने आपस में डिसाइड करा कि हम रिलेशन में आते, तो मैंने कहा नहीं नहीं 14 मार्च को नहीं आना, 20 मार्च को आएंगे, मेरा बर्थडे है, मेरे को लगा याद कर दिन मना देंगे अपने बर्थडे को, भाई 20 मार्च को आ गए रिलेशनशिप में। अब रिलेशन में आए तो क्या होता है कि मुझे ना लोग बोलने लगे कि अबे तू पागल है क्या, मुझे ना लोग मुझे बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना उसके लिए बहुत गलत बोलने लग गए, मेरे कानों में बातें पड़ने लग गई कि लोग भाई ऐसा बोल रहे कि वो तो तेरे फेम के चक्कर में तेरे साथ आ रही है ये वो, जबकि यार मुझे पता था इनसाइड वो ऐसी नहीं है, बट उसके लिए ना बहुत बैक बिचिंग होने लगी, बहुत गलत बोलने लगे, और भाई मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, मैं नहीं सुन पाता था उसके लिए जो रियलिटी है। तो मैंने उससे किसी बहाने से कॉल पे कॉल आ रहे हैं यार भाई, कॉल इतने आ रहे हैं ना बीच में मोमेंटम बिगाड़ देते पूरा, अब कॉल उठाना पड़ा। अब कंटिन्यू करते हैं, तो 14 मार्च को क्या हुआ, अपने बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई हाँ चलो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक मौका देते हैं फिर से। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे में चूल उठी, मैंने कहा नहीं 14 मार्च नहीं 20 मार्च को आएंगे, क्योंकि 20 मार्च को मेरा बर्थडे है, मेरे को लगा भाई स्पेशल बना देंगे बर्थडे को अपने। अब भाई 20 मार्च को आ गए रिलेशनशिप में, उसके बाद क्या हुआ, लोग ना मतलब उसके लिए ऐसा बोलने लगे कि भाई वो ना तेरे फेम के लिए तेरे साथ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भाई मेरे लिए तो वो थी, बहुत मैटर करती थी। अब हुआ क्या पंगा, लेकिन लोग ना उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत बोलने लगे, भाई मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि उसके लिए कोई गलत बोले, पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम थी इस चीज़ से, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था, बिल्कुल भी 1% भी बर्दाश्त नहीं होता था मुझे। तो भाई की दुखद स्टोरी चल रही थी पूरी गंदी लेवल पे, पूरा उदास था, अब इसके फैन आ गए फोटो खिंचवा रहे, इस पूरा मोमेंटम फिर से बिगड़ गया इसका, कोई नहीं अब स्टार्ट दोबारा करेगा, बस ये है रो ना दे। फाइनली आके फिर मैंने अपनी गद्दी संभाली है। तो भाई उसके लिए ना बहुत लोग ना यार गलत समझने लगे उसे कि वो तो इसीलिए तेरे साथ है फेम के लिए, वो मुझे यार बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मैं खुद को तो समझा लेता हूँ, मेरे को कोई कुछ भी बोले मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता भाई मेरे लिए वो बहुत मैटर करती है, लेकिन यार उसके लिए ना बहुत बोलने लगे तो मुझे बहुत अजीब लगने लगा। तो वहाँ मेरी गलती थी, मैंने किसी बहाने से उससे ब्रेकअप कर लिया कि यार नहीं ये वर्क नहीं कर रहा अपने लिए, रहने देते हैं उसके बाद। लेकिन क्या हुआ भाई, अब मेरे से ब्रेकअप, ये मेरा एक तरीके से ब्रेकअप था उसी के लिए कि लोग उसके लिए गलत बोल रहे, और मैं सुन नहीं पा रहा, तो मैं चाहता था लोग ना बोले ऐसा कुछ, मैं चाहता था मैं इस चीज़ को प्राइवेट भी रख सकता था कि किसी को बताऊँ ना, पर हाँ मेरी गलती थी यार। लेकिन उसके बाद भाई मैंने अपनी गलती सुधारी, मैंने उसके बिल्कुल, उसने मुझे काफ़ी टाइम तक बोला कि यार साथ आ जाते हैं नहीं हो पा रहे, अलग रह के नहीं चल पा रहा, तो मैं कहता था नहीं यार नहीं, मैं उसे सच नहीं बताता था कि मैंने ब्रेकअप क्यों किया। लेकिन उसके बाद हमारा पैचअप हो गया, क्योंकि भाई मैं नहीं रह सकता था, मेरा भी बहुत सीरियस था मैटर। अब फिर सब चीज़ें बहुत अच्छी चलने लगी, फिर अचानक से क्या हुआ, फिर हमारा ब्रेकअप हुआ। उस ब्रेकअप की वजह एक थी, उस ब्रेकअप की वजह ये थी, उसने मुझे कुछ डीप बातें ऐसी बोल दी थी जो सुन के कोई भी लड़का पीछे हट जाएगा। मुझे उसने एक बार गुस्से में ऐसे बोल दिया कि तेरे साथ तो कोई खुशी नहीं रह सकता, तेरे साथ रह के मैं हंसना भूल गई हूँ। भाई ये बातें इतनी ज़्यादा हिट कर जाती है ना इंसान को कि वो अलग होगा ही होगा। यहाँ पे मैंने भाई कर लिया ब्रेकअप। अब ब्रेकअप किया, ब्रेकअप को हो गए 1.5 महीने। वो उसने मुझे काफ़ी बोला कि यार मैंने गलती से बोला, मैंने कहा नहीं तूने जो बोला है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो मुझे साथ नहीं रहना। तो 1.5 महीने ऐसे हुआ, फिर मेरी किस्मत में क्या हुआ, मेरे को किसी ने दिखा दी किस्मत मूवी, किस्मत 1 और किस्मत 2 देख ली मैंने। वो भाई मैं ऐसा बावला हो गया, मेरे अंदर का प्यार फिर जाग गया, प्यार मरा तो था ही नहीं, फिर जाग गया भाई और ज़्यादा। अब भाई मैं उसके बाद मैं उससे बोल रहा हूँ पैचअप के लिए, वो ना माने। फिर 1.5 महीने मैंने उसे फोर्स करा, तब ऐसे 3 महीने का गैप आया और फिर हमारा फाइनली फिर पैचअप हो गया। अब आता है फाइनल, अब हमारा पैचअप हुआ 1 जनवरी 2022 को, ये वाला 1 जनवरी 2022 के बाद सब कुछ चल रहा है, सॉटेड हल्की फुल्की लड़ाई थी, अचानक से ना 30 मार्च को हमारी लड़ाई हो जाती है, 30 मार्च 2022 को। अब भाई लड़ाई किस बात पे होती है, मैं उसे कॉल करता हूँ, उसका कॉल जा रहा होता बिजी, मैंने कहा फिर उसका कॉल पिक हुआ, मैंने कहा कहाँ बिजी जा रही है, तो कह रही बात कर रही थी अपने दोस्तों से एक्स वाई जेड, तो उनमें एक दोस्त ऐसा था जो उसे पसंद करता था, तो मुझे ना थोड़ा सा भाई देखो एक जेलस एक नेचर है ये कि आप जेलस होते हो कि सामने वाला आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद करता है और वो बात कर रहे, तो एक ना होता है कि जेलसी होती है, शक की बात नहीं थी, एक जेलसी होती है। तो मैंने कहा तूने कभी, तो कहती मैं तो उनसे बात कर रही हूँ और क्या बोलते हैं आजकल मेरी रोज ही बात हो रही है, मैंने कहा तूने कभी बताया नहीं, कह रही है मैं जिससे बात करूँ तुझे सब बताऊँ। भाई
गुस्सा आता देखो इन चीज़ों पे, तुम ये भी तो बोल सकते हो हाँ मेरे को, मैं बता दूंगी अगली बार से, क्योंकि मैं किसी से बात करता हूँ मेरा डे कैसा जा रहा है मैं उसे सब बताता था, तो मैंने उससे बोला तो वो मुझे और पता क्या रिप्लाई करती है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं तो दिन भर में अपनी क्लास के बहुत सारे बच्चों से बात करती हूँ, अब क्या मैं तुझे सबका बताऊँ? भाई यहाँ पे एक सॉर्टेड रिप्लाई हो सकता था कि हाँ मुझे ध्यान रहेगा तो मैं तेरे को ज़रूर बताऊँगी, क्यों नहीं बताऊँगी भाई। लेकिन उसने क्या बोला कि मैं सबका बताऊँ, मैं ये नहीं कर सकती भाई साहब। तो मैंने कहा चल भाई ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे उससे थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई हुई। उसके बाद क्या होता है, उसका कॉल आता है थोड़ी देर बाद कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, मुझे ब्रेकअप करना है। भाई मैं भी गुस्से में था उस वक्त, क्योंकि उसको जो चीज़ बोलनी चाहिए थी उसने बोली नहीं। मैंने कहा ठीक है मुझे भी नहीं रहना, मुझे भी ब्रेकअप करना है। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ नॉर्मली, दोनों की तरफ से बहुत गुस्से में चल रही थी। ये हो गया। ओए भैया इसकी भैंस की गुच्छी कैमरे की। अब भाई ये चीज़ें हो गई, तो 30 मार्च को हो गई लड़ाई। हमारा ना ऐसे लड़ाई लड़ाई में ब्रेकअप चलता रहता था, तो मैं कभी इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि मेरे अंदर ना एक भाई घमंड था कि वो मेरी और मैं उसका, हम कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा होता है, सबको ही होता है, तो भाई मुझे भी लगता था। अब क्या हुआ, 30 मार्च को ब्रेकअप हो गया, 31 मार्च को कोई बात नहीं हुई, 1 अप्रैल को बात करी मैंने उससे। भाई 1 अप्रैल को जिससे मैंने बात करी ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी नहीं, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। और उसके चेंज होने पर ही मुझे इतना ज़्यादा एक यकीन सा मिल गया था कि पक्का कोई और आ चुका है इसकी लाइफ में, जो ये ऐसा सडन चेंज आया। तो क्या हुआ भाई, मैं उससे मिला, मैं उसके आगे गिड़गिड़ाया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ भाई मैं गिड़गिड़ाया हूँ, मैं रोया हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ रह ले, मैं नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि मेरे को पता प्रॉब्लम क्या होती थी, मेरी ना चेस्ट में बहुत गंदा पेन होने लग जाता था, जैसे मुझे चीज़ें याद आती थी या उसकी कुछ बात हो ना, मेरी चेस्ट में बहुत गंदा पेन होने लगता था, जलन होती थी, पेन नहीं जलन अजीब सी। मैंने उसे बोला भी, और मैंने व्हाइट मार्क्स है बॉडी पर, आपने देखा होगा, देखो जैसे व्हाइट मार्क्स है ना मेरे बहुत सारे बॉडी पर, तो इनका क्या है ये टेंशन से ज़्यादा बढ़ते हैं। मेरे भैया वगैरह के भी हैं एक आध, तो उनका भी क्या, जब उनकी लाइफ में कुछ एक इंसिडेंट हुआ था तो उनको काफ़ी टेंशन हो गई थी, उनके साथ कुछ फ्रॉड हो गया था, तो उनके ना बहुत बढ़ गए थे। तो हमने जो ऑब्जर्व किया है, टेंशन से बहुत बढ़ते हैं। तो मैं उस, मेरा लास्ट मैसेज उसे ये कि प्लीज़ साथ आ जा, मेरी चेस्ट में बहुत जलन होती है, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ चीज़ें, और मेरे जो व्हाइट मार्क्स है वो और बढ़ जाएंगे टेंशन से, मैं इस टेंशन को हैंडल नहीं कर पा रहा, मुझे तू साथ चाहिए अपने। भाई उसने मेरे उन मैसेजों का कोई रिप्लाई नहीं किया, बस कॉल करके बात करती थी कि कोई फ़ायदा नहीं है इन सब बातों का, हम साथ नहीं रह सकते। तो अब हमारे ब्रेकअप के बाद दोबारा से पैचअप को 3 महीने हुए थे, तो भाई उसके बाद मैं उससे 13 अप्रैल को और मिला आखिरी बार। तो भाई उस दिन उसने मुझे एक लाइन बोली कि नहीं, उस दिन नहीं बोली थी लाइन, अभी बताता हूँ क्या लाइन थी। 13 अप्रैल को हम मिले, मैं बहुत गिड़गिड़ाया उसके आगे, भाई बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत ज़्यादा रोया भी कि प्लीज़ साथ रह ले। भाई उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसने मुझे एक चीज़ बोली कि देख ये मत समझियो कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब मुझे खुद पे अपने करियर पे फोकस करना है, तो हो सकता है हम आज नहीं तो एक साल बाद फिर एक हो जाए। यहाँ मिली मुझे होप, समझ रहे हो, एक उम्मीद दे दी उसने मुझे कि हो सकता है कि आज नहीं तो एक साल बाद हम फिर एक हो जाए, और मैं तेरे क्या किसी और के साथ भी नहीं रहना चाहती इस टाइम रिलेशन में। मुझे लगा ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमारा ब्रेकअप हो गया, सब सॉर्टेड था। मैं मतलब इवन लोगों को भी बताता ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं लोगों को हमेशा ये बताता था कि भाई शायद मेरे थोड़े से एंगर इश्यूज थे, या मैं ज़्यादा रिएक्ट कर देता था इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया, वो लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक दिन मुझे पता, मुझे ना ये काटना पड़ेगा, पर भाई एक दिन फिर अचानक से क्या होता है, मुझे अचानक से पता लगता है, कहीं से भनक आती है कि वो रिलेशन में है। अब मैंने उसे किया कॉल, मैंने कहा सिर्फ 2 चीज़ें पूछूंगा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दियो, मैं तुझे कॉल नहीं करने वाला। मैंने कहा रिलेशन में, कहती नहीं बताऊंगी। मैंने कहा बता दे, कुछ फ़ायदा तो है नहीं कि बहस करे इस चीज़ में, कहती हाँ। मैंने कहा कब से, कहती ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। फिर मैंने पूछा, फिर उसने बताया, कहती 27 अप्रैल। मैंने कहा तू 27 दिन के अंदर, क्योंकि हमारा 30 मार्च को ब्रेकअप हुआ था, मैंने कहा तू 27 दिन के अंदर नई रिलेशन में आ गई, तो कहती 27 दिन नहीं, हमारा ब्रेकअप तो 6 महीने पहले ही हो चुका था, हम तो बस इसे खींच रहे थे। भाई मेरे को बात सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मैंने कहा इसने क्या बात बोल दी भाई ये। अब सोचो जो इंसान मुझे ये बोल के कहता कि तेरे क्या किसी और के साथ नहीं रहना मुझे, 13 अप्रैल को जब मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आ जा रिलेशन में आ जाते, वो मुझे ये बोला कि तेरे क्या किसी के साथ नहीं रहना, मुझे करियर पे फोकस करना है, और हो सकता है आज नहीं तो हम एक साल बाद फिर मिले। भाई 13 अप्रैल से 27 अप्रैल, और 27 अप्रैल को बंदी नए रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे भाई मेरा ना बिल्कुल भरोसा ही हट गया इन सब चीज़ों से। अब उसके बाद मैं आपको, ये थी मेरी स्टोरी, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ सेवेज चीज़ें। उसके बाद क्या हो भाई, अब इंसान के साथ ऐसा होगा ना, इंसान भाई बदलता है, आपको लगता है कि भाई प्यार नहीं मरता लेकिन एक नफरत भी हो जाती है। तो एक दिन क्या हुआ, उसके दोस्तों ने उसके साथ प्रैंक कर दिया कि साहिल ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया, और मैं थाने से बोल रहा हूँ, SP उसके घर वालों ने आपका नाम दिया है कि आपकी वजह से अटैम्प्ट किया है। भाई अब मैंने उसे कर लगा हर जगह से ब्लॉक, क्योंकि मैं भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा हो गया था, तो मैंने उसकी सारी फोटोज एंड ऑल सब डिलीट कर दिया कि वो मुझे दिखे ना कहीं से, कहीं तक उसका नंबर सब ब्लॉक।
तो क्या हुआ भाई, उसके साथ कर दिया दोस्तों ने प्रैंक कि साहिल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और उसके घर वालों ने आपका नाम लिया है, मैं थाने से एसपी बोल रहा हूँ, ऐसे करके कुछ प्रैंक कर दिया। भाई उसने क्या किया, उसने अपने फ़ोन से ट्राई किया, मेरा फ़ोन नहीं लगा, उसने किसी और के फ़ोन से ट्राई नहीं किया, वो सीधा मेरे घर आ गया, वो मेरे घर आई मेरे धक धक। मैंने कहा ये क्या हो गया, अपनी दोस्त के साथ आई थी वो मेरे घर। मैंने कहा बोल, कहती ये नंबर किसका है। एक होता है पूछना, एक होता है क्लेम करना, वो ना क्लेम कर रही थी कि जैसे मुझे पता। मैंने कहा मुझे क्या पता किसका है। कहती इस नंबर से ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है कि तूने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया वो। मैंने कहा तो मुझे क्या पता, तुझे कोई भी कॉल कर सकता है। तो उसके बाद फिर कॉल आ गया होते, मैंने कहा मुझे बात करने दे। मैंने बात करी, मैंने कहा तेरा कोई बहुत खास है पहचान कौन है। तो कहती मैं नहीं पहचान पड़ी। उत्ते में मेरे पे कॉल आ गया, वो मतलब उसके किसी दोस्त का ही था, नाम नहीं बता सकता किसी का, तो उसका ही कोई दोस्त प्रैंक कर रहा था। तो उस मेरे पे कॉल आ गया, कहता भाई हम ना उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, आप बताना मत। मैंने कहा मेरे भाई आपके प्रैंक के चक्कर में यहाँ सीन हो गया, वो मेरे घर पे आ गई है। मैंने कहा पता, उसको बाद मैंने उसे बोला, मैंने कहा पता लग गया कौन है, फिर वो समझ गई कौन था। उसके बाद मैंने उससे बोला अगर मुझे कल को कोई तेरे नाम से कॉल करके प्रैंक करे तो मैं तुझे कॉल ना करूं, मैं सीधा तेरे घर आ जाऊं। तो कहती तूने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाई। मैंने कहा अपने दोस्त के फ़ोन से कर लेती, मम्मी के फ़ोन से कर लेती, दादी के फ़ोन से कर लेती, पर भाई उसने कॉल नहीं करा, वो सीधा घर आ गई। मैंने कहा मतलब अगली बार से मुझसे कोई प्रैंक करे तो मैं सीधा तेरे घर आ जाऊं ना। तो कहती नोनू तेरा मेरे घर आना नॉर्मल नहीं है, लेकिन मेरा तेरे घर आना नॉर्मल था। मैंने कहा नॉर्मल था, अब नहीं है, और दोबारा मत आइयो। और मैंने ये जब बोला ना भाई, मेरे अंदर ना वो चल रहा था ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी ऐसे वाला एकदम ऐसा सीन चल रहा था कसम से भाई। और वो उस दिन इतना गंदा ऑफेंड हुई मेरे से, मेरे दिल में आया कि मैं सॉरी बोलूँ, पर फिर मेरे दिमाग में यह है कि भाई उसने जो तेरे साथ किया है ना, तूने तो एक जेन्युइन चीज़ पे रिएक्ट किया, उसने तो बहुत गलत किया था, तो मत सोच ये सब भाई। फिर वो चली गई। और एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, जब मैं उससे बात कर रहा था ना, तो सीन क्या हुआ, एक दिन मैं उससे कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि मैं उससे जब रिक्वेस्ट कर रहा था कि आ जा रिलेशन में, वो भाई वो नहीं मान रही। तो नहीं, ये उस दिन की बात है जब मेरे को पता लग गया था उसका बॉयफ्रेंड बन गया, तब मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैं ना किया था जो मैं तेरे प्यार के पीछे भागता था, मैं भूल गया था कि मुझे 661 के लोग प्यार करते हैं। उस टाइम पे मेरे फॉलोअर्स थे 661,000। तो मैंने कहा मैं भूल गया था मुझे 661 के लोग प्यार करते हैं, जो भी थोड़ी देर में 662 के हो जाएंगे। तो कहती ओ नाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस नोनू। मैंने कहा सॉरी आई डोंट वांट योर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड डोंट कॉल मी नोनू, कॉल मी साहिल गुप्ता, क्योंकि नोनू मुझे सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं। और मैंने उसे यही लाइन बोली थी सेम, और मेरे दिमाग में था कि वो मुझे नोनू बोलेगी ना, तो मैं उसे यही लाइन बोलूंगा। मैं सच में ये बोला था नोनू बोलते ही कि डोंट कॉल मी नोनू, कॉल मी साहिल गुप्ता, क्योंकि नोनू मुझे सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं। और भाई उस बात से वो कहती इतना चेंज, तू तो कहता था कि तेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, मिल ले। मैंने कहा तू कौन सी बातें कर रही है, उसमें प्यार खत्म होने वाली बात कहाँ से आ गई। मैंने कहा तू ये कैसे बोल सकती है, किस हक से बोल रही है, तूने क्या किया, तुझे वो नहीं दिख रहा। भाई उस रिलेशन के बाद से मेरे उस ब्रेकअप को 2 साल हो चुके हैं लगभग, क्योंकि मेरा वो ब्रेकअप हुआ था 2022 30 मार्च को। अब तक मैं किसी रिलेशन में नहीं आया, ना मेरे में हिम्मत हुई। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में लड़कियाँ नहीं आई, अच्छी लड़कियाँ नहीं आई, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई भाई, और मैं रिलेशन में नहीं आ पाया। मैं मिस करता हूँ कभी कभी मोमेंट्स को, उस लड़की को नहीं, कुछ मोमेंट्स को मिस करता हूँ। कुछ चीज़ें होती है जो बहुत प्यारी होती है, उनकी याद आती है, बट अब मैं उस लड़की को अब मिस नहीं करता भाई, क्योंकि मैं ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने गोल्स पर फोकस करना चाहता हूँ। अब मेरा प्यार कुछ लोगों में है, मेरे महादेव, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त और आप लोग जो बहुत प्यारे हो। इसलिए एक इंस्टाग्राम पे भी मेरा हैशटैग है साहिल की फैमिली। भाई उस फैमिली का मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक परिवार की तरह। तभी आप लोगों को इतना सच बताता हूँ हर चीज़ की, भाई गाड़ी ली तो किश्तों पे ली है, कोई कैश नहीं ली, जबकि मैं फ्लैक्स फ्लैक्स की कभी नहीं सोचता कि जबरदस्ती का फ्लैक्स भाई करना ही नहीं। आप लोगों के आगे ना मुझे खुली किताब रहना है, गाड़ी है तो किश्तों पे है, मैं नॉर्मल कितना घूमता हूँ आप लोगों को पता होगा, कि जो भी मुझे सामने से टकराता है वो देखते हैं, मैं हमेशा लोअर वोअर में ही रहता हूँ। भाई मैं बहुत रियल रहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, कि मेरी ज़िंदगी में जो सच्चाई है वही आप लोगों को पता लगे। और भाई यही थी मेरी पूरी सच्चाई, मेरी ब्रेकअप स्टोरी। और हाँ, अब अगर आप लोगों को मेरी जर्नी सुननी है ना लाइफ की, कि मैं क्या करता था पहले, कैसे कैसे मैंने ये चीज़ें शुरू की, तो भाई इस ब्लॉग पे 500 कमेंट कर देना, आपको अपनी जर्नी बताऊंगा, और आपको मेरी जर्नी में ना बहुत मज़ेदार चीज़ें मिलने वाली है। तो 500 कमेंट्स होती है, आप अगला ब्लॉग बनेगा मेरी लाइफ की जर्नी पे, मैं यहाँ तक कैसे कैसे क्या क्या करते हुए पहुँचा। तो भाई ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत प्यार हो आप लोग। लड़की ने साथ छोड़ा है, आप लोग कभी मत छोड़ना। तुझे भुला।